Hi, this is Tapas Mandal. Welcome to Let's Learn. In this video, I'm going to tell about West Bengal GDS result and the chances for the selections. कल आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट किए थे और वेस्ट बंगाल GDS के रिगार्डिंग आप लोग ने यहाँ पे मार्क्स मेंशन किए, आप लोग ने यहाँ पे डिविजन्स मेंशन किए। तो यहाँ पे जितना भी कमेंट कल आया था उसका आधा कमेंट मैं आज आंसर दूंगा, आधा कमेंट का, और जो आधा कमेंट रिमेनिंग रहेगा उसका आंसर मैं कल एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे कमेंट का आंसर देना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप लोगों का यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वेस्ट बंगाल GDS से ही, मतलब अगर बोलेंगे जितना भी कैंडिडेट से, तो 4K से 5K, मतलब 4000 to 5000 व्यूअर्स मेरे चैनल पे है। तो आप लोग अगर हर लोग यहाँ पे कमेंट करोगे तो मैं क्या करूँगा, एक डिविजन्स वाइज आप लोगों का मार्क्स का एक लिस्ट बना दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है, चांसेस भी आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो कमेंट करो हर लोग तो यही बेटर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अनिर्बन चक्रवर्ती। तो अनिर्बन चक्रवर्ती का यहाँ पे परसेंटेज है 94% मिदनापुर डिविजन पे। यहाँ पे बोला कोई चांस है क्या, देखो अनिर्बन चक्रवर्ती का यहाँ पे 94 जो मार्क्स है ना मिदनापुर डिविजन पे अप्लाई किया, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो आपको मैं मिदनापुर डिविजन का यहाँ पे दिखाता हूँ वैकेंसी कितना है इस साल का, और टोटल हम यहाँ पे दिखाएंगे मिदनापुर डिविजन का वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकोगे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला, देखो मिदनापुर डिविजन ना, हाँ मिदनापुर डिविजन यहाँ पे देख लो 184 है वैकेंसी मिदनापुर डिविजन पे, और कट ऑफ भी बहुत ही कम होगा, कट ऑफ भी यहाँ पे बहुत ही कम होगा, मतलब मिनिमम मार्क्स अगर 81 होगा तो उस कैंडिडेट के लिए भी एक पॉसिबिलिटी रहेगा सिलेक्शन का, ठीक है। लेकिन आपका तो बहुत ही ज़्यादा है 94, मुझे तो लगता है आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आप 90% श्योर हो सकते हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आकाश सिंह, आकाश सिंह मालदा से अप्लाई किया है, और आकाश सिंह SC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, और आकाश सिंह का जो परसेंटेज है 88.85% से बहुत ही अच्छा परसेंट है, 20 पोस्ट पे अप्लाई किया, मालदा से है। तो हाँ मालदा का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं मालदा का हाल क्या है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको ढूंढने के लिए। हाँ यहाँ पे मालदा का अगर बात करेंगे तो मालदा का वैकेंसी थोड़ा सा कम है, तो मालदा का यहाँ पे UR के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ रहेगा, 89 के आसपास रहेगा, लेकिन अगर बात करेंगे SC के लिए 86% के आसपास कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आपका एडवांटेज है SC कैंडिडेट हो, 20 पोस्ट पे आप अप्लाई किए हो, और आपका लगभग 90% के आसपास है, तो आपका चांसेस बहुत ही हाई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सौगत चक्रवर्ती, 87.85% है, UR कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, 20 पोस्ट पे अप्लाई किए हैं, नॉर्थ प्रेसिडेंसी, ओके बिलगड़िया बैरकपुर बारुईपुर सारे जगह पे। हम नॉर्थ प्रेसिडेंसी का यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे वैकेंसी कितना है इस बार नॉर्थ प्रेसिडेंसी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना है। नॉर्थ प्रेसिडेंसी का वैकेंसी 55 है, और नॉर्थ प्रेसिडेंसी का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कटअप ज़्यादा नहीं होता, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ प्रेसिडेंसी का कटअप ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे जो साइकिल वन पे जो रिजल्ट निकल गया था वहाँ पे भी कटअप कम आया था। तो नॉर्थ प्रेसिडेंसी का आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है, आप जनरल कैटेगरी का हो आपका चांसेस मैं बोलूंगा मॉडरेट है, ठीक है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत ही कम है। नेक्स्ट शिव प्रकाश मौर्या, यहाँ पे शिव प्रकाश मौर्या OBC कैंडिडेट है, परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, 91.33% है, अंदमान निकोबार में है और सिक्किम से है अप्लाई किया। तो यहाँ पे अंदमान निकोबार और सिक्किम मतलब आपको हिंदी जानना चाहिए, ओके, और नेपाली जानना चाहिए, मतलब जो रिलीजन जो लैंग्वेज होगा, हम अंदमान और निकोबार आइलैंड पे यहाँ पे देख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 44, और यहाँ पे कट ऑफ हाई होता है भाई, यहाँ पे कट ऑफ हाई होता है, OBC या SC जो भी बोलो यहाँ पे कट ऑफ हाई होता है। तो यहाँ पे आपका 91% जो बोल, ये जो आपका परसेंटेज है यहाँ पे मैं आपको हाई नहीं बोलूँगा, आपका जो चांसेस है सिलेक्शन की तो ये आपका मॉडरेट रहेगा, या हाई नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ होता है। हम सिक्किम का थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे सिक्किम का हाल क्या है, सिक्किम पे 28 वैकेंसी है इस बार, और सिक्किम पे भी आपका OBC के लिए ऐसे कट ऑफ हो जाएगा, मतलब 90 के आसपास, तो आपका चांसेस ज़्यादा सिक्किम पे होगा रादर देन अंदमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीधाम मंडल, श्रीधाम मंडल जलपाईगुड़ी से हैं, SC कैंडिडेट है और 86% मार्क्स है, ओके, तो एडवांटेज AC कैंडिडेट है। तो यहाँ पे हम जलपाईगुड़ी का थोड़ा सा हाल देख लेंगे वैकेंसी कितना है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा धीरज रखना है। जलपाईगुड़ी का वैकेंसी ज़्यादा नहीं है,
46 वैकेंसी है जलपाईगुड़ी का, तो यहाँ पे कटऑफ एक मॉडरेट कटऑफ रहेगा, क्योंकि जलपाईगुड़ी का कटऑफ ज़्यादा नहीं है जाता, ठीक है। तो आपने क्या बोले, आपका 86% है और एससी कैंडिडेट हो आप। तो यहाँ पे एससी कैंडिडेट के लिए मैंने यहाँ पे देखा 83, 84, 85 इसके आसपास होगा। अगर आपके परसेंटेज 83+ है तो आप सेफ जोन पे हो सकते हो। जो अगर आप एससी कैंडिडेट होप रख सकते हो, तो आपका अगर हम बोलेंगे जो चांसेस जो है हाई लोअर और मॉडरेट, तो आपका चांसेस मुझे लगता है मतलब मॉडरेट होगा, ज़्यादा हाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे 93.1% कृष्णा आईक्यू एससी कैंडिडेट हैं, 20 पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वेस्ट दिनाजपुर डिविजन्स पे, ओके। तो यहाँ पे एससी कैंडिडेट हैं और परसेंटेज भी बहुत ही हाई है। तो यहाँ पे हम वेस्ट दिनाजपुर का वैकेंसी देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्ट दिनाजपुर आपको थोड़ा सा वेट करना है वेस्ट दिनाजपुर का देखने के लिए, वैकेंसी भी हम दिखा देंगे आपको सारे, थोड़ा सा वेट करना है। हाँ, वेस्ट दिनाजपुर, अच्छा वैकेंसी यहाँ पे मॉडरेट है, वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम नहीं है, मतलब 72 वैकेंसी, मतलब बहुत ही अच्छा ही वैकेंसी है। और आप बोल रही हो आप एससी कैंडिडेट हो, यहाँ पे एससी कैंडिडेट 84 पे भी सिलेक्शन हो चुका है तो लास्ट बार, तो अगर आपका चांस के बात करेंगे तो आपका चांस बहुत ही हाई है, ओके। तो कृष्णा जी आप यहाँ पे फोकस करो। नेक्स्ट इट्स वॉइस फ्यूजन इस वीडियो फ्यूजन, यहाँ पे बोले मुर्शिदाबाद पे अप्लाई किए हैं ओबीसी कैंडिडेट है, 83.7% है। तो मुर्शिदाबाद का हम हाल देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मुर्शिदाबाद में बहुत ही वैकेंसी है, मुर्शिदाबाद में 155 वैकेंसी है। तो आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका चांसेस, मैं आपको हाई नहीं बोलूँगा, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, आपका चांसेस लो है, लेकिन आपका चांसेस है, ठीक है, लो है लेकिन है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में वैकेंसी भी ज़्यादा है और वहाँ पे कटऑफ भी कम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक दोस्त ने बोला यू आर कैंडिडेट हैं 89.7142% से, बीरभूम से अप्लाई किए हैं, तो 10 प्लेस है। आप 20 कर सकते थे, 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, क्यों 10 किया आपने। तो 89 point something है। हम बीरभूम का हाल देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम देना है बीरभूम का हाल देखने के लिए। हाँ, बीरभूम पे भी ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, वैकेंसी 146 से। आप यू आर कैटेगरी बोल रही हो 86 के आसपास, जिसका इसका भी मार्क्स रहेगा बीरभूम के लिए वो सेफ जोन पे रह जाएगा, तो आपका तो चांसेस बनता ही है भाई, आपका चांसेस मॉडरेट है, ठीक है। नेक्स्ट शिप्रा विश्वास 80% है, 2010 पे माध्यमिक पास किए हैं, ठीक है। एसी कैटेगरी जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी का हम अगर यहाँ पे देखेंगे, जलपाईगुड़ी थोड़ा सा नीचे रहेगा मुझे लगता है, थोड़ा सा टाइम देना है। जलपाईगुड़ी का हाल बहुत ही खराब है, जलपाईगुड़ी में 46 वैकेंसी है, बहुत ही कम वैकेंसी है। तो शिप्रा जी आई एम वेरी सॉरी, आपका चांसेस बहुत ही लो है, लेकिन जीडीएस में कुछ भी हो सकता है, आपको वेट करना है, वेट एंड सी, ठीक है। लेकिन आई एम वेरी सॉरी, आपका ये जो मार्क्स है इसमें बहुत ही चांसेस मुझे कम लग रहा है, आपका बहुत ही लो चांसेस है, वेरी सॉरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट शांति बाग 86%, बांकुड़ा डिविजन्स, तो एससी कैटेगरी का है, एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पे। तो बांकुड़ा का हम अगर हाल देख लेंगे यहाँ पे, वैकेंसी वाइज वैकेंसी भी कितना है वो भी हम देख लेंगे बांकुड़ा का, थोड़ा सा आपको धीरज रखना है, थोड़ा सा धीरज रखना है यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ बांकुड़ा, हाँ बांकुड़ा का तो बहुत ही हाल अच्छा है, बांकुड़ा में आपका जो वैकेंसी है 114 वैकेंसी है बांकुड़ा में, तो बांकुड़ा में 114 वैकेंसी है। आपने बोल रही है तो एससी कैंडिडेट हो आप, 86 मतलब आपको मार्क्स मिला, तो एससी कैंडिडेट के लिए 81 मार्क्स से भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप बोल सकते हो आपका जो चांसेस हैं बहुत ही हाई है, क्योंकि आप बांकुड़ा डिविजन्स पे अप्लाई किया और वैकेंसी भी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट मुर्शिदाबाद ओबीसी कट ऑफ मैंने आपको देखा दिया मुर्शिदाबाद ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट इट्स में यहाँ पे क्या बोला 84% से एससी कैंडिडेट बीरभूम से, हम लोग बीरभूम और एक बार देख लेंगे, बीरभूम और एक बार देख लेंगे, शायद ऊपर होगा बीरभूम, नीचे है, हाँ बीरभूम, बीरभूम का हाल बहुत ही अच्छा है, 146 यहाँ पे काट मतलब वैकेंसी है इस बार, 84% और आप एससी कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट के लिए 84% थोड़ा सा रिक्सी हो जाएगा हम आपका अगर बोलेंगे तो, आपका चांसेस है लेकिन आपका चांसेस लो है, ठीक है, आप ठीक है होप रखो, ठीक है। सो ये सारे हम लोग आज डिस्कस की, जितना भी रिमेनिंग कमेंट्स है मैं कल एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए,
आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए, ठीक है। और दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन, होप यू ऑल एंजॉय द डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।